आज के लिए कृष्णा जी की एक कविता मैंने सेलेक्ट करी है, उसे सुने फिर उस पर दो चार बातें। लिखने में पानी पर नाम, लिखने में पानी पर नाम, बीत जाती है उम्र तमाम। कभी शाम में मिली सुबह और कभी सुबह में मिली शाम। क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या गतिमय और ठहरा क्या। धीरे धीरे सब बीत जाता है, भर ले कोई चाहे जितना, भर ले कोई चाहे जितना। धीरे धीरे सब रीत जाता है। पोथी या पंडित से क्या काम, पोथी या पंडित से क्या काम, शब्दों का है इस दुनिया में बहुत ही टेढ़ा सा इंतजाम। पोथी या पंडित से क्या काम, शब्दों का है इस दुनिया में बहुत ही टेढ़ा सा इंतजाम। खुद से खुद तक जाने में, खुद से खुद तक जाने में हो जाती है उम्र तमाम। खुदा का नहीं है कोई नाम, या हैं सब उसके ही नाम, कौन किसी के आता काम। खुदा का नहीं है कोई नाम, या हैं सब उसके ही नाम, कौन किसी के आता है काम। सबके हैं दाता राम, सबके अपने अपने राम। ये बहुत ही सुंदर शब्द और ये इनलाइटेंड पोएट्री है। देखिए ये पोएट्री नहीं है एक्चुअल में, ये सब ये उसी हृदय से, उसी अंतर्मन से शब्द निकल सकते हैं जिसके भीतर वो बोध का प्रकाश उतरा हो, नहीं तो ये शब्द नहीं आते। अगर मेरी टीचिंग्स को पोएटिक फॉर्म में ढाल दीजिए तो ये कविता बन जाएगी। सुंदर बात है। और इधर आजकल बड़ा सुंदर ये चल रहा है कि जो आपके प्रश्न होते हैं और जो कविता मैं सेलेक्ट करता हूँ, उन दोनों में एक कविता बन जाती है, यानी कि दोनों का एक अलाइनमेंट बन जाता है। लिखती हैं कि पानी पर लिखने में नाम, बीत जाती है उम्र तमाम। यही तो सब लोग काम कर रहे हैं। हर कोई सांसारिक व्यक्ति जो अपने को समझता है, जो अपने को आध्यात्मिक समझता है, हर कोई पानी पर नाम लिख रहा है, सोचता है कि इसको हम इतिहास बना देंगे, वो सोचता है कि इसको हम कुछ कालजयी बना देंगे। लेकिन सबकी जो जीवन की कहानी है, जो पर्सनल स्टोरी है, वो ऐसी है कि इधर लिखी नहीं कि उधर मिटी नहीं, इधर बनती है उधर मिट जाती है। तुम लिखो पानी पर नाम, अभी तुम आखिर तक पहुँचोगे, पीछे का मिट चुका होगा। जीवन प्रवाह में है, प्रवाह जीने में है, उसको सजाने में नहीं है। नाम सजाने के काम आता है, जीवन जीने के काम आता है। और लिखती कभी शाम में मिली सुबह और कभी सुबह में शाम। जीवन बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, कभी कभी वो प्रडिक्टेबली अनप्रडिक्टेबल है और कभी कभी अनप्रडिक्टेबली प्रडिक्टेबल है। शाम तो आती है, सुबह भी आती है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में रोशनी और अंधेरा, धुंधल का सब आता है। और कभी तुम देखोगे उस रोशनी जो सुबह फूट रही थी, उसमें भी धुंधलकी का कोई बिंदु आ गया है, कोई छाया आ गई है। और कभी जब धुंधलका जीवन में होगा, तुम देखोगे वहाँ से भी कोई रोशनी फूट रही, कोई सुबह फूट रही है। क्या अच्छा और बुरा क्या, क्या गतिमय और ठहरा क्या, कैसे तय करोगे। ऐसे ब्लैक एंड वाइट्स में ज़िंदगी थोड़ी होती है कि गए और तय कर दिए अच्छा ये बुरा ये। क्या गतिमय और ठहरा क्या, क्या अच्छा और बुरा क्या। चलने दो जीवन को, क्षण में रहो। धीरे धीरे सब बीत जाता है, यहाँ कुछ टिकता नहीं, यहाँ तो सब बीतने के लिए है। भर ले कोई चाहे जितना, धीरे धीरे सब रीत जाता है। तुम ज्ञान से भरो, ध्यान से भरो, समाधि से भरो, इनलाइटनमेंट से भरो, सब खाली हो जाना है, सब रीत जाना है, सब बीत जाना है। मैंने ऐसे ऐसे इनलाइटेंड लोग देखे हैं कि अभी इनलाइटेंड थे और जीवन का कोई धक्का लगा, खाली हो गए, इनलाइटनमेंट खो गया, पता नहीं किस किनारे से बह गया। जिस किसी भी चीज़ से तुमको लगेगा कि तुमने भर लिया अपने को, वो जाएगी, वो खाली होगी। और जीवन की जो शाश्वतता है वो है खालीपन में।
पोथी या पंडित से क्या काम। किताबें हैं, ज्ञानी लोग हैं, पड़े रहो उनके चक्करों में। सर्कस चलता रहेगा, शब्दों का है इस दुनिया में बहुत ही टेढ़ा सा इंतजाम। सारा खेल शब्दों का है, सब हम लोग शब्दों के सर्कस में हैं। मैं अलग तरह से उनको अलाइन कर देता हूँ, तुमको अलग लगने लगता है, कोई अलग तरह से उनको अलाइन कर देता है, अलग तरह से लग लेता है। इस शब्दों के बंदर ही सर्कस में नाच रहे हैं। कोई तार पे नाच रहा है, कोई झूले पे नाच रहा है, कोई तख्ते पे नाच रहा है, कोई ज़मीन पे नाच रहा है। ये जो फिलोसफीज हैं, ये जो मजहब हैं, ये जो कल्ट हैं, ये क्या हैं? ये बस शब्दों के सर्कस हैं। लेकिन इसके पीछे जो निःशब्द है, जो मौन है, जो सोर्स है, वही है महत्वपूर्ण। खुद से खुद तक जाने में हो जाती है उम्र तमाम, ख़त्म हो जाती ज़िंदगी खुद से खुद तक जाने में। और इंसान तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के चक्कर में लगा, यहाँ से वहाँ जाएँ, उस तक जाएँ, इस तक जाएँ। और फिर अंत जो है कविता का, वो भी बड़ा मज़ेदार है। लिखते हैं कि ईश्वर का कोई नाम नहीं होता, या सारे नाम उसके हैं, बिल्कुल सच बात है। और कौन किसी के आता काम, यानी कि अस्तित्व ही सबके काम आता है, सबके रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता। लेकिन अगर तुम सोचते हो ये पर्सन काम आता है, तो पर्सन नहीं आता, वो टोटेलिटी, समग्रता उस शरीर मन के माध्यम से किसी के काम आती। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई किसी के काम नहीं आता, ये सब इम्पर्सनल हेल्प है, अव्यक्तिगत। तो किसी के पीछे हाथ मत फैलाओ, किसी के पीछे भागो मत, किसी से सहारा मत मांगो, किसी से शरण मत मांगो, किसी की तरफ हाथ मत फैलाओ। कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं, कोई तुम्हें मदद देने वाला नहीं। जो देगा अस्तित्व देगा। सबके दाता हैं राम, वही बात है ना, आखिर में वही शब्द आया, सबके हैं दाता राम और सबके अपने अपने राम। सबके दाता भी राम हैं, यानी कि वो समग्रता, वो टोटेलिटी, वो अस्तित्व, वो स्रोत, जो भी नाम देना चाहें। और फिर आखिर में जो शब्द आ गया, ये बिल्कुल आज की जो कविता है, ये अल्टीमेट इसका कॉम्बिनेशन है शब्दों का। सबके अपने अपने राम, यानी कि वो जो समग्रता है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंबन है, उसकी जो समझ है, वो भी सबकी अपनी अपनी होगी, किसी एक की जैसी नहीं। यानी कि कोई इस समग्रता को अपनी तरह से देखता है, कोई अपनी तरह से देखता है, सबके अपने अपने राम हैं। लेकिन राम हैं, तुम रम पाए, तुम उस क्षण में रम पाए, तुम जी पाए, तुम खुश हो पाए, तुम ठहर पाए, समाधान ढूंढ पाए, तुम्हारा राम तुम्हारे काम आ गया। किसी और का राम किसी के काम नहीं आता। तो इसलिए अपने राम में रमना है, या कहें जिसमें रमते हैं वही राम होता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात। खुश रहें, प्रसन्न रहें।